Hello guys, I'm Dr. Shyam Mithiya. I'm a psychiatrist and sexologist practicing in Mumbai. I'll try to answer your few questions related to sex and sex-related topics here. One very common question is, what is Viagra? Should we take it or should we not? So Viagra is a generic term. So sex-related jo bhi tablets hain. So basically, ye Viagra unme se ek hai. Viagra matlab sildenafil. तो ये जो सेक्सुअल टैबलेट्स हैं इसका बेसिक क्लासिफिकेशन करने जाएंगे हम जो इंडिया में अवेलेबल हैं वो हैं टाडालाफिल और सिल्डेनाफिल. ये दो अलग अलग प्रकार की टैबलेट्स हैं. ये दोनों ही कैसे काम करती हैं? बेसिकली ये मेल में इरेक्शन इम्प्रूव करती हैं, ये ब्लड फ्लो इम्प्रूव करती हैं पेनिस में, हेंस ये इरेक्शन इम्प्रूव करती हैं. तो ये तो हुआ इस टैबलेट का फ़ायदा. अब आप पूछना चाहेंगे कि ये कब लेनी चाहिए या किन लोगों को लेनी चाहिए. तो ये टैबलेट हम कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, जिनको परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा, कितना कर पाऊँगा, तब ये प्रकार की टैबलेट्स ये उन सब्जेक्ट्स को हेल्प करती हैं. एंड इरेक्शन इम्प्रूव होता है तो ऑटोमेटिकली उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और आगे परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है. ये एक चीज़ हो गया. दूसरा हो गया कि फिज़िकल इलनेस है और उसकी वजह से उनका इरेक्शंस कम होते जा रहा है, जैसे कोई डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सब कंडीशंस में आपका इरेक्शंस ग्रेजुअली स्लो होते जाता है. सब्सटेंस अब्यूज़ है, आप स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो आपका इरेक्शंस ग्रेजुअली कम होने ही वाला है. ओबेसिटी, वज़न बढ़ गया है, इरेक्शन कम होने वाला है. तो वैसे लोगों में ये टैबलेट इरेक्शन इम्प्रूव करने में मदद करती है. दो, तीसरा और लास्ट, ये बहुत लोग प्लेजर के लिए भी लेते हैं. ओवर द काउंटर एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, बट बहुत जगह पे ओवर द काउंटर मिल जाती है. तो सिर्फ प्लेजर के लिए, एक एडवेंचर सीख करने के लिए भी ऐसी टैबलेट ओवर द काउंटर लेते हैं, जो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है. इसके ये फ़ायदे मैंने अभी बताए, बट इसके डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए. इसके साइड इफ़ेक्ट्स, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये टैबलेट लेने पे बहुत बार किसी को हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, नौजिया, वॉमिटिंग, आपको उल्टी जैसा सेंसेशन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं. ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं. इसके थोड़े से डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स अगर आप मेरे को पूछना चाहें तो ये है कि अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट रिलेटेड इशू है, माइग्रेन है, ये सब में तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. तो इसको बिल्कुल भी ओवर द काउंटर नहीं लेनी चाहिए. इसको आपको जब भी लेना है, कोई भी कंडीशंस जो मैंने बताए इंडिकेशंस थे, वो इंडिकेशंस अगर आपको हैं या फिर आपको एडवेंचर के लिए भी लेना है, जब भी लेना है, ये ओवर द काउंटर मत लीजिए. आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, आपके जनरल प्रैक्टिशनर को, साइकेट्रिस्ट को, सेक्सोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए. आप उनसे मिलिए, एग्जामिनेशन करवाइए कि मैं फिट हूँ, मैं ये ले सकता हूँ, मुझे ये लेनी चाहिए. तो अगर वो उनकी राय से अगर आप लेंगे तो ये आपके लिए हेल्दी रहेगा, सेफ रहेगा. एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ ऐसी टैबलेट से आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने से ज़्यादा है, बहुत सारी नेचुरल मेथड्स रहती हैं जिससे आप अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं. आपको पहले वो सब ट्राई करना चाहिए, फिर आपको उनसे नहीं हो रहा है तब आपको जाके ये लास्ट रिसॉर्ट टैबलेट्स या ड्रग्स ट्राई करने चाहिए. आपको वो जानना है तो हमारे दूसरे भी वीडियोज़ हैं जिनमें आप जान पाएंगे कि नेचुरली आप अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक यू. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें. नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें.